दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी एवं समाज सेवी राजेंद्र साहू ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही दुर्ग संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभाओं में जाकर पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। दुर्ग संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस की तैयारियों एवं अपने दौरों को लेकर राजेंद्र साहू ने एसीएन न्यूज से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू से हुई बातचीत के खास अंश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहिन खान। चुनावी चर्चा में हम इस वक्त हाजिर हैं राजेंद्र साहू सर के घर में। जी हां, दुर्ग लोकसभा से वो प्रत्याशी हैं, अधिकृत प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने बहुत विश्वास करके उनको टिकट दिया है और इस बार सांसद की लड़ाई वो लड़ने जा रहे हैं और उनसे जानना चाहेंगे क्या है मुद्दे, किन किन मुद्दों को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। सबका स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद आप सभी का और दुर्ग लोकसभा के सभी मतदाताओं का, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके आशीर्वाद से, उनके प्रयास से मुझे यह अवसर कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं शीर्ष नेतृत्व के सभी हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जनों को भी और कांग्रेस के पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रदेश सहित देश में जो लहर देखी जा रही है भाजपा की, क्या मानते हैं इसको, कितना असर पड़ेगा कांग्रेस में? जनता में कांग्रेस के प्रति लहर है, समाचारों में इसमें जो दिखाया जा रहा है वो भ्रम 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 फैलाने के लिए। एक तरफ देश की जनता महंगाई की मार झेल रही है, एक तरफ हमारे युवा साथी रोजगार के लिए भटक रहे हैं और ये लहर वहर की बात करना उसके बाद ये दुर्भाग्यजनक है। ना किसानों को उसके फसल के सही दाम मिल पा रहे हैं। केंद्र में जो सरकार है बहुत से वादे की थी किसानों के लिए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। भाजपा वाले कहते हैं कि देश की जनता उनके परिवार हैं। अगर देश की जनता अगर उसके परिवार हैं तो महिलाओं के साथ, चाहे वो मणिपुर हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तो वो किसका परिवार है? उन परिवारों की रक्षा क्यों नहीं है? उनके जो गुनाहगार हैं उनको सजा क्यों नहीं? हमारे देश के युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, वो किसके परिवार के हैं? बेरोजगार अगर उनके परिवार के नहीं हैं तो किसको परिवार मानते हैं? उनको रोजगार कौन देगा? वह मुखिया कैसे बोल सकता है कि मैं परिवार के हैं, जो अपने बच्चों को लोग रोजगार नहीं दिला पा रहे हैं? और किसानों की बात करेंगे, वो किसके परिवार के? वो अपनी फसल की सही मांगों को लेकर अगर कोई बात रखते हैं केंद्र सरकार के पास, तो उसको अनसुनी किया जाता है, वो किसके परिवार के? देश के 25 करोड़ से अधिक किसान हैं, उन किसानों की बात कौन सुनेगा? क्या वो हमारे परिवार के सदस्य नहीं? क्या वो भारत के मुखिया जो हैं उनके परिवार के सदस्य नहीं? किस सदस्य की बात करते हैं, किस परिवार की बात करते हैं, ये मेरा सवाल है। और किसान अगर अपनी बात को लेकर आंदोलन करते तो उनके ऊपर गोलियां चलवाते, उनको अपने गाड़ियों से रौंदते, वो किसके परिवार के हो किसान जो पीड़ित है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। फिर इसमें कहाँ से लहर वाली बात आई? विजय बोलना चाहूंगी आपके सामने, विजय बघेल जी हैं जो कि सांसद अपनी दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव, हालांकि पाटन से वो शिकस्त मिली थी, अभी आपके सामने कड़ी प्रतिद्वंदिता है, क्या मानते हैं इसको? दुर्ग लोकसभा की जनता ने उन्हें पूरे विश्वास के साथ अपना मत दिया था, लेकिन 5 सालों में उन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है। दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र आता है, जहाँ के वो कर्मी भी रहे हैं, वहाँ काम कर चुके हैं और बीएसपी पे क्या परेशानी है उनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता। लेकिन आज भी हमारे बीएसपी में जो कार्यरत श्रमिक हैं, अधिकारी हैं, ठेका श्रमिक हैं, वो अपनी बातों को लगातार लेकर सेल प्रबंधन से मांग करते हैं, सांसद महोदय से मांग किए, लेकिन 5 सालों में ना उन्होंने
सेल प्रबंधन से बात की सांसद महोदय ने, ना इस्पात मंत्रालय बात की, ना कभी सदन में भिलाई इस्पात संयंत्र के अपने साथियों का मुद्दा नहीं उठा पाए। जो अपने साथ काम करने वाले लोगों की आवाज़ को नहीं उठा पाए तो आम जनता की क्या सुनेंगे वो। दूसरा, यहाँ दुर्ग को, भिलाई को मिनी भारत कहा जाता है। यहाँ से हम अन्य प्रदेशों में जाने वाली ट्रेनें, बहुत सी सुविधाएं कांग्रेस की गवर्नमेंट में दिलाया गया था, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, जगह जगह, चाहे इधर बंगाल हो, हर जगह, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह जाने के लिए ट्रेन की सुविधा, ताकि हमारे यहाँ के निवासियों को आवागमन का, यात्रा का सुलभ और सस्ता साधन मिल सके। इस 5 सालों में, इन 5 सालों में कई ट्रेनें विलंब से चल रही हैं, कई ट्रेनें रद्द कर दी जाती है और बहुत से ट्रेनें बंद हो गई, लेकिन उन्होंने कहीं बात नहीं उठाई कि ये रोल चलना चाहिए, ट्रेन फिर से चालू की जाए, ट्रेन टाइम से चले। इसके लिए उन्होंने न कभी रेल प्रबंधन से बात किया, न ही सदन में इस बारे में बात रखी। ये दुर्भाग्यजनक बात है। तो कहाँ से वो जनता का विश्वास खो डालें। 275 लगभग 275 श्रमिक और अधिकारियों की मौत बीएसपी के हुई है कोरोना काल में, और उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो आज भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए राह देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक इसमें कोई पहल नहीं किया है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, इनको लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। भाजपा जो है नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस किसके चेहरे पे लड़ रही है? कांग्रेस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, राहुल जी लगातार देश को जोड़ने के लिए, लगातार देश के लोगों को सद्भावना पूर्वक विकास की ओर ले जाने के लिए, देश के किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, हमारे जो युवा वर्ग हैं, सबको न्याय मिले, इसकी बातों को लेकर हम लोग आगे आ रहे हैं। यहाँ विचारों की लड़ाई होती है, यहाँ विकास कैसे होना चाहिए, यहाँ देश में हम एक दूसरे के साथ बिना भेदभाव के कैसे रहें, ये हम लोग लेके, विजन लेके चल रहे हैं। और लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, और लोगों को अधिकार कैसे मिले, इसके लिए हम योजना बना के काम करेंगे, ताकि देश का विकास, मानव जाति का विकास हो सके। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महादेव सट्टा ऐप में कल उनके ऊपर FIR हुई है, क्या कहना चाहेंगे, कितना क्षति पहुंचेगी, क्या देखते हैं इसको, क्योंकि वो भी राजनांदगांव से प्रत्याशी भी हैं। देश में जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और अन्य दल हो, उनके नेताओं को डरा कर, धमका कर ये राजनीति कर रहे हैं। आज देश में सब जानते हैं कि ये खाली दबाव की राजनीति है। व्यापारी, अधिकारी, नेतागण सब इनसे भय मुक्त वातावरण जो पैदा कर रहे हैं, इससे सब अंदर से आक्रोशित है। क्यों आक्रोशित है? कि ये खाली दबाव की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा में जितने लोग हैं, चाहे अजीत पवार जी लोग, चाहे शुभेंदु अधिकारी लोग, चाहे आपका हेमंत विश्व शर्मा लोग, चाहे अभी आपका नीतीश कुमार गए हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। यानी भाजपा में जाने के बाद आप सीधा वॉशिंग मशीन में धो डालो, यानी ऐसा निर्मल कौन सा है इनके पास कि भाजपा ही पाक साफ है। अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड हुआ है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड हुआ है, इसका जवाब क्यों नहीं देते उन लोग? और ये जो कर रहे हैं, इसको जनता भली भांति जानती है, इसका कोई असर चुनाव में नहीं होने वाला है। सब जानते हैं कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है। वर्तमान में दुर्ग जिले में चाकूबाजी की घटना काफी देखी जा रही है। जब से यहाँ भाजपा की सरकार आई है, अपराध बढ़ गए हैं, अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया है जिसको
अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके दुष्परिणाम बहुत बुरे होंगे। नियंत्रण होना चाहिए, चाहे सरकार किसी की हो, अपराध नहीं होने चाहिए। और नशा का व्यापार बढ़ गया है, अवैध नशे के जो व्यापार है उसमें बहुत बढ़ोतरी आई है। इसमें नियंत्रण होना चाहिए, हमारी मांग है, और अपराध रुकना चाहिए, क्योंकि अपराध होते हैं तो हमारा ही कोई व्यक्ति, हमारा ही कोई भाई, हमारी ही कोई बहन, हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनका जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। इसलिए अपराध रुकना चाहिए। राज्य के पूर्व गृह मंत्री तामसो साहू इस बार प्रत्याशी महासमुंद से टिकट दी गई है। काफी विरोध का भी स्वर वहां देखा जा रहा है। क्या प्रभावित होगा इससे चुनाव? विरोध नहीं हुआ है, प्रत्याशी हर कोई बनना चाहता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता, और जो लोग बनना चाह रहे थे वो अपनी मांग को रख रहे थे कि हमको दिया जाए। विरोध की कोई बात ऐसी नहीं आई है। किन किन मुद्दों पे आप मैदान पे उतरे हैं लड़ाई के लिए? हमारा जो वो है कि जो पिछली भाजपा की सरकार है, 10 सालों में जितने वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किए। यहाँ की जो राज्य सरकार है वो भी जो वादे किए थे उसमें खरा नहीं उतर रहे हैं। 2,50,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता जो मिलता था वो बंद कर दिया गया है। 18 लाख आवास देने की बात की थी, आज तक एक भी आवासहीन हितग्राहियों को उसका पैसा नहीं मिला है, शुरुआत ही नहीं हुई। राशन जो है 7-35 किलो प्रति परिवार मिलता था, उसको अब घटा के प्रति व्यक्ति 5 किलो कर दिया गया है। ये मुद्दा है हमारा। हमारे गोबर खरीदी बंद कर दिए हैं। आपका जो मातारी वंदन योजना है इसमें भी बहुत से लोग परेशान हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिला है। ये सब मुद्दे हैं। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने घोषणा की है कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले जो 30 लाख खाली पद बचे हैं उनमें तत्काल भर्ती किया जाएगा, युवाओं को रोजगार का अवसर दिया जाएगा। जो युवा बेरोजगार साथी है उनको, डिप्लोमाधारी है और ग्रेजुएट है, उनको 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। महिला बहनों को 50% आरक्षण हर स्थान पर, सभी नौकरी से लेकर हर एक चीज भी से स्थान। बोलना चाहूंगी, जैसे मातृ वंदन योजना को भुनाया भाजपा ने, क्या ऐसी कोई योजना महिलाओं के लिए कांग्रेस लाएगी? कोई भी योजना भुनाने के लिए नहीं होता, उनको देने के लिए होता है। मातृ वंदन योजना की बात करें तो जैसे इन लोग पहले राशन कार्ड बनाए थे ना, जनता को बहुत सारे राशन कार्ड बांटे, जैसे ही लोकसभा का चुनाव हुआ वो सभी राशन कार्ड रद्द कर दिए गए थे। मातृ वंदन में भी वही स्थिति आने वाली है। हमारी एक योजना है, 1 लाख रुपया हमारी जो महिला बहनें हैं, गरीब महिला बहनें, उनको 1 लाख रुपया प्रति वर्ष सरकार के द्वारा दिया जाएगा कांग्रेस सरकार आने पे। किसानों को उसके फसल का सही दाम मिले इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर उसको सदन में पास किया जाएगा। अंत में एक सवाल है, 3 साढ़े 3 माह पहले विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस को भारी शिकस्त मिली उसमें। कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई? क्योंकि लहर तो भूपेश की थी, फिर कहाँ चूक हुई जो अभी लोकसभा में नहीं दोहराई जाएगी? चुनाव में अलग अलग समय अलग अलग परिणाम आते हैं, समय और परिस्थिति जो होता है उसके हिसाब से परिणाम आते हैं। अभी हमारे पक्ष में माहौल है, लोगों को आभास हो गया कि हमने गलती कर डाला है, अब कांग्रेस को फिर से चुनना है, और लोग कांग्रेस की ओर आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। हाल ही में कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, उस मैटर में पेपर न्यूज में भी आया था, हमने न्यूज ही बनाया था। कौन से मुद्दे में? ये 14 साल पूरा जेपी सुना जी, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? अभी एक का बाकी ही है फैसला। जेके लक्ष्मी जी सीमेंट जी का निर्माण हुआ था उस समय हम लोगों की मांग थी कि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं ध्रुव भिलाई राय और छत्तीसगढ़ में, उनको वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था, उसमें हम लोगों को
के ऊपर धारा लगाई गई थी। अभी पिछले दिनों माननीय न्यायालय के द्वारा हमको बाइज्जत बरी कर दिया गया है और हम लोग आगे भी युवाओं की लड़ाई, चाहे रोजगार की बात हो चाहे उनके अन्य सुविधाओं की बात हो, उसको लेकर हम हमेशा आगे लड़ते रहेंगे। एशियन के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका आभार। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए, अपने भाई राजेंद्र साहू का साथ देके पंजा छाप में मुहर लगाएं और विजयी बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे राजेंद्र साहू जी, जी हाँ दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और किन किन मुद्दों पे वो चुनावी मैदान में, उन्होंने बताया। साथ ही बताया कि उनकी सरकार आती है तो किस तरह की सुविधाएं महिलाओं को, पुरुषों को, समस्त जनता को दी जाएगी, उसके विषय में उन्होंने बताया। बिल्कुल नहीं डालना है। तीन चरणों में चुनाव में आखिरी का चुनाव जो है वो दुर्ग का है और सभी की निगाहें उसी पर टिकी हुई है। लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए।